अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आज देखें, आपको कहा था जैसे हमारे मेहमान आए हुए हैं आरिफ भाई, इनसे हम पराठे बनवा रहे हैं। यार अच्छी बात तो नहीं है, फिर भी उन्होंने ज़िद की कि हम बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है बना लें भाई। कितने कहेंगे आप? कितने? जितने आप बना लेंगे हम खा लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। बहुत नरम हो गया था यार, मैं तो सख्त हो जाता। काम भी करना पड़ रहा है भाई। वो शख्स को खाली शेर ला रही है, दो ही सोम खुशियां दी। उम्मी दो ही सोमी तो पाकिस्तान को खुशियां रखी। यू इंट्रोड्यूस लारिसा। आ लारिसा से इसे क्या आरिफ एस्पोजा ओमेर ने ओमेर जी। तो जनाब हमने जाना था उबा जारा, लेकिन वहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो बंद है, तो अब हम निकलेंगे सिटी बॉस्को के लिए। तो गाड़ी आ रही भाई, थोड़ी सफाई कर रहे हैं। भाभी आपकी जा रही है बैंक, उस पर नहीं जा रहे, हमारे भाई के साथ जाएंगे। गाड़ी ये हमारी खड़ी है, तो ये आपकी भाभी लेके जाएंगी बैंक, और उसके बाद इस पर हम जा रहे हैं आरी भाई के साथ। चलें जुड़े रहिएगा, आपको दिखाते हैं सिटी जी बॉस को। ये जनाब हम सिटी जी बॉस को पहुंच चुके हैं, अभी हमने बैंड वगैरह पहन लिए हैं, तो अभी हम चल रहे हैं आगे। तो चलें देखते हैं माहौल क्या है आगे। यहाँ पर जनाब कैंपिंग की गई है, तो उसके बाद ये नीचे का व्यू है। चलें चलते हैं व्यू देखते हैं, आ जाएं इधर देखते हैं, उधर बाद में चलते हैं। हाँ हाँ नो वो नो स्वाइल आ स्पैर है। देखें छीटे आ रहे हैं, मेरे ख्याल में पानी था इनके ऊपर। तो ये यहाँ पे नीचे का व्यू है जनाब। ये देखिए जनाब इधर आ गए हैं। नमाओ गाई बहुत हवा चल रही है जनाब। यहाँ पे बैठ जाए, मैं बनाता हूँ आप दोनों की फोटो। ये जनाब यहाँ पे कैंपिंग की गई, इनसे पूछते हैं, यहाँ पे करना पड़ता है। मोस अकी प्रिसीज पागा परा कौन तू है आइज। सैंती विंच सो ईसा सैंती विंच यो कहते हैं। 150 रियाल जो हैं यहाँ पे करने पड़ते हैं, उसके बाद उसको आपको ब्रेकफास्ट भी देते हैं साथ। तो महंगा है यार, कैंप अपना ले गया लगाओ। चलें चलते हैं आगे। यहाँ पे भी जनाब सेम ऐसे कैंप्स लगे हुए हैं। इधर से हम पिछली दफ़ा गए थे इस तरफ से, तो वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे जा के देखते हैं कि कितनी प्यारी जगह है। जैसे वो हम टार्जन मूवी में देखते हैं ना, वो एक दूसरे लटक के जा रहे होते हैं, ये रस्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं दरख्तों की। ये जनाब उस्मान साहब और सारा भाग रहे हैं साथ साथ। ए भेज सारा मुझ तुम बोरा बोरा बोरा। उस्मान साहब भाग रहे हैं। उस्मान साहब कमी हमारी दुहा पीजिए। और ये जनाब देखें, ये भी मेरे ख्याल में रात गुजारने के लिए उन्होंने कैंप्स बनाए हुए। छोटा 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 सा घर है ये, छोटा सा घर टाइप है। देखें ये एक कपल के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। देखें तो यहाँ पे रात गुजारने के चार्जेस पता है क्या हैं। ये देखें सारा बनाया हुआ है। ये अच्छे हैं ना, देखें कितने प्यारे हैं। यहाँ पर जनाब भाई साहब से हमने पूछा, ये 200 रियाल पे करने पड़ते हैं, और उसके ब्रेकफास्ट भी आपको साथ देते हैं। पीछे छोटा सा कैंप था उसमें 150, तो इसमें 200, ये अच्छा है यार, उससे ज़्यादा है। ये देखें जनाब इधर जो बंदर है ना, ये तोड़ रहे हैं नारियल वगैरह की टाइप है एक,
ये हम जैसे लग रहा मरिया आ गया ना, मरिया में ऐसे होता है, ये इसको तोड़ा नहीं जाएगा इनसे ना, ऐसे आरिफ भाई ना, ये बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त होता है। वो देखें उसने खाया हुआ कितना, वो निकाल भी लिया, उसके काम देखें। ये जिसने जनाब देखे लास्ट दफा मेरे ख्याल, ये क्या हुआ मेरे ख्याल में किसी ने पकड़ लिया, मुर्गी का बच्चा लग रहा है मुझे तो। ये देखें ये तोड़ रहे हैं नारियल वगैरह ही। ये किस्म पाकिस्तान पाकिस्तान में बहुत बंदर के किस्म है, बहुत ज्यादा है अभी बंदर हुकूमत। निकी आ इधर आ, मैं तेरे साथ फोटो लेना चाहता हूँ, इधर आ भाई, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ, मैं तेरे साथ फोटो लेनी है, इधर भाग गया। यार नहीं रहा यार हमारा वजीर आजम जी। तो जनाब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, यहाँ पे भी व्यू बहुत अच्छा है, तो हवा की मतलब के हवा का रुख देखने के लिए उन्होंने ये लगाया हुआ है पिंजरा सा, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ फिर जाता है, हवा इस तरफ की है। तो नीचे से आपको रोड भी दिखाता हूँ जहाँ से हम आते हैं, तो ये देखें ये रोड रहा, अगर आपको नज़र आए ये देखें, ये सामने रोड रहा इससे घूम के हम आते हैं, ये जा रहा है फोर्टालिज़ा की तरफ से आ रहा है, और भी दिखाता हूँ मैं आपको। इधर यहाँ पे देखें कोई बाड़ वगैरह नहीं लगाई हुई, वो नीचे मेरे ख्याल में लगाई हुई है, कोई भी गया और यहाँ पे देखें ये भी रोड नज़र आ रहा है नीचे, ये घूमता हुआ आ रहा है जनाब, ये सारे यहाँ पे मतलब कि पिक्स वगैरह, वो सामने चेयर लगी हुई है परी की तरह की, वहाँ पे बैठ के पिक्स बनाई जाती हैं। यहाँ पे मतलब के शावर लगे हुए हैं, शावर कहते हैं उसको, स्प्रिंकलर्स। ओलैक की फादर फोटो ना हो क्या, ये जनाब यहाँ पे लिखा प्रो होबी तो फोमा नास त्रिलस, मेरे ख्याल में यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। इधर गया वो, भाग गया। तो चलें चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। जनाब ट्रैक थोड़ा लंबा लग रहा है, देखते हैं क्या क्या है आगे, ये सारा जंगल है इधर साइडों पे। भाई कमिया को उस्मान अली गोश्त जी उससे आगे से जनाब वो भी आ रहे हैं, आगे से लोग आ रहे हैं घूम के, पता नहीं क्या है। चलते हैं अभी तो उधर बैठ जाएंगे फिर चल के। ये जनाब आगे आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या सार अजीब आगा उसे भाई काई, बहुत आगे है जनाब, ये कुछ ना कुछ तो आ। ये जनाब यहाँ पे दरवाजा लगाया गया नीचे उतरने के लिए, पता नहीं क्या चीज़, सारा सारा भाई ना उला भाई काई। इधर कुछ ना कुछ तो आ गया, ये बिल्डिंग से आ गई है, इधर से होके वापिस चलते हैं भी सारा भी। चलें ये बिल्डिंग सी आ गई है, क्या बिल्डिंग ये पैगा बब्बो ले था ये ना, अब ये बिल्डिंग आ गई किस चीज की है पता नहीं। जनाब नीचे सीढ़ियां बहुत जा रही हैं, हमें पता नहीं कहां तक जाना पड़ेगा, हम इधर से ही लौटते हैं वापस, क्योंकि साथ हमारे जो फैमिली है उनका बच्चा है तंग करता है, तो फिर वो नीचे नहीं जा सकते, मैंने उनके साथ रहना है, मैं उनका टूर गाइड हूँ। सीढ़ियाँ अभी तक जा रही हैं, पता नहीं कहाँ ख़त्म होंगी जाके, चलें वापस चलते हैं। मौसम जो है ना बादल है ना इस व्यू का भरपूर साथ दे रहे हैं, ये देखें सूरज के आगे जब आ जाते हैं तो व्यू भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये वाइट वाइट एक ही टोला है जो सूरज के आगे आया हुआ है,
तो लोकेशन का भरपूर मज़ा दे रहे हैं, बहुत मज़े की जगह है। अभी जनाब हम आ गए हैं सुपरमार्केट, रात को हमारा पिज़्ज़े का प्लान है। आरिफ भाई की जो वाइफ है, हमारी भाभी, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हैं, उनसे पिज़्ज़ा खाएंगे कैसे बनाती हैं। पिज़्ज़े का सामान और कोई चिकन वगैरह लेना है चलें, वो ख़रीदते हैं, फिर घर चलते हैं, तैयारी करते हैं डिनर की, चलें जुटे रहिएगा। ये जनाब बारबेक्यू का सामान हो गया, ये कोयला ख़रीद लिया हमने, उसके बाद चिकन हो गया है और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं इसके साथ जो बारबेक्यू करना है। तो पहले पिज़्ज़ा का प्लान था, बारबेक्यू का हो गया है, तो ये कोयला आ गया इसमें। तो ये जनाब इन्होंने दिया है 13,000 इसका। तो चलें अब चलते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया सामान। जी तो जनाब जैसे हम कह रहे थे, आज हमारा बारबेक्यू का प्लान है, तो हमने जो किराए का मजदूर मंगवाया हुआ है नहीं भाई सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ये हमारे आरिफ भाई मेहमान है हमारे, तो ये कोयले तैयार हो रहे हैं इधर, उसके बाद फिर रखते हैं इसको फरंगू चिकन को। ये जनाब हमारे आरिफ भाई हैं, बहुत अच्छे कुक हैं, हमारी भाभी को भी बहुत अच्छी कुकिंग करके देते हैं, तो आज हमारे हाथे चढ़ गए हैं, तो हम इनसे कुकिंग करवा रहे हैं। देखिए बारबेक्यू कितने प्यारे बना रहे हैं, देखिए माशाल्लाह कितना खाने में मज़ा आएगा। और यहाँ पे देखें जनाब, टेबल सज चुका है, हर चीज़ आ चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें चीज़, जैतून वगैरह बहुत चीज़ें आ गई हैं, ये कुक लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये गोभी भी फ्राई करेंगे, गोभी कुक करेंगे, कुक कहते हैं ना, क्या कहते हैं कुक साहब बताइएगा ज़रा, ग्रिल करेंगे, गोभी को ग्रिल करेंगे और शिमला को ग्रिल करेंगे। जो है ना आपकी भाभी ने जो है वो जो था ना वर्क होता है, किस चीज़ का वर्क था जिसमें, तो ये प्याज जो है ना वो चांदी का वर्क है ना, क्या कहते हैं इसको, सिल्वर वर्क, तो उसमें डाल के हमने प्याज अंदर डाल दिए, प्याज अंदर पक रहे हैं। तो चलें चलते हैं, इनकी हेल्प करते हैं।